ये GoPro का वाटर प्रूफ टेस्टिंग, ठीक है चलो 1 2 3 तो भाई सब खाना वाना हो गया है, थोड़ा नदी में नहा के भी आ गया है और अभी हम वहाँ पर अपना टॉयलेट सेटअप कर रहे हैं। परफेक्ट भाई, हाँ जीरो वोल्ट। तो यहाँ पे अपना टॉयलेट सेटअप हो गया है, दिखाते हैं थोड़ा सा आपको खोल के। तो इसके अंदर जो होता है आपको ये टॉयलेट सीट भी रहता है, उसमें प्लास्टिक लगाइए, कार्यक्रम कीजिए और गंगा में बहा दीजिए। ये टॉयलेट सीट हमारे टेंट के पास में लगा दिया है, रात को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे एक लाइट लगा देंगे। तो चलो अभी बहुत सारा काम बाकी है भाई, अभी टेंट का अंदर का सेटअप करना है, बाहर सजाना है, बारबेक्यू सेटअप करना है और बहुत कुछ करना है। तो अभी तुरंत लग जाते हैं काम में। बहुत टाइम लगने वाला है भाई। टेंट ऑलमोस्ट रेडी है भाई साहब, बिस्तर तो लगा दिए हैं। कट कौन छोड़ा पता है होता है। अरे भागे भागे अपन दिवाल हम बाकी टाइम घर दी थी। चलो चाय रेडी भाई, चाय रेडी। अरे तो सुंदर बाली वाला पावे तो है और तो कैंप फायर लगा दिया हम लोग ने। अभी अभी बारबेक्यू सेटअप होगा हमारा। देव भाई तो फुल फॉर्म में है भाई, हम दोनों तो चटाई चटाई लगा के सो गए हैं। वहाँ पे हमारा जल रहा है और अभी यहाँ पे दोनों खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे भाई, क्या जबरदस्त लग रहा है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिर करेंगे बारबेक्यू। एक्चुअली थक गए हैं बहुत, सुबह 3 बजे उठे हैं, उसके ऊपर से इतना दूर आए 300 किलोमीटर और फिर खाना बना बनाए, कैंपिंग कैंप पिच टेंट पिच किया, बहुत कुछ काम वाम किया, तो सब बर्तन वर्तन साफ ये सब जगह साफ। तो और एक ब्लॉगर उधर है थोड़ा सा भाई, देव भाई थोड़ा सा पावर रैप ले लेता हूँ भाई। बहुत मस्त लग रहा है भाई, आसमान तो दिखेगा नहीं यहाँ से, लेकिन तारे वारे बहुत मस्त दिख रहे हैं, बहुत जबरदस्त वाला फीलिंग है भाई। थोड़ा सा रेस्ट करके उठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम अब बारबेक्यू कैसे बनाते हैं।
वो डाउटफुल है। अगर बनता है बार्बेक्यू तो आपको दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा तो नेक्स्ट ब्लॉक में तो हमने बार्बेक्यू चिकन ऐसे घर ले जाएंगे, अपने अपने घर जाके बनाएंगे बार्बेक्यू, उसका मतलब नहीं बना, ठीक है। चलो भाई ये सब जगह साफ कर, यहाँ पे बार्बेक्यू सेटअप कर लेते हैं ना इस टेबल पे। हाँ, और चिकन मैरिनेट कहाँ करेंगे? टेबल पे कर लेंगे। मैं सामान लेके आता हूँ कुछ। बस भाई यही चिकन है हमारे पास, इसी को बारबेक्यू करेंगे, है ना। और जो भी कचरा हम ला रहे हैं ना अपने साथ, वो कचरा देखिए, अब डस्टबिन है यहाँ पे, हम उस डस्टबिन पे फेंक रहे हैं और कचरा जाते टाइम हम लेके जाएंगे। भाई आज चिकन कैसा बना था भाई? बहुत बढ़िया था। चिकन कैसा बना था? मस्त बना था भाई, टेंडर स्पाइसी, अच्छा बना था ना, टेस्टी था ना, बहुत बढ़िया। और कल हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट कितना पैकेट खरीदा था? दो। दो तो यहीं पे है, तो हमने डाला नहीं आज। तो क्या डाला था फिर? कुछ तो डाला था मैंने देखा। बिना जिंजर गार्लिक के आज चिकन बना है? नहीं, कुछ डाला था मैंने देखा। अरे नहीं डाला, जिंजर गार्लिक तो है ही नहीं। जिंजर गार्लिक डाला बस, होल गार्लिक। तो मतलब ये प्रूव हो गया बिना जिंजर गार्लिक के भी, बिना जिंजर गार्लिक के भी आज हमने वेज चिकन खाया है। वेज चिकन? हाँ, वेज चिकन। लेकिन आज अभी हम लोग नॉन वेज इसमें बनाएंगे, बारबेक्यू बनाएंगे। पानी, हाथ धोने का पानी वगैरह वो सब तो चाहिए। तो देव भाई चले गए अभी नदी के पास, देव और तन्मय भाई, देख के जाना भाई। टेंट से थोड़ा ही दूर हमने अपना वहाँ पे प्रॉपर कैंपिंग वाला बाथरूम सेट किया है, जंगल के अंदर ही। अगर देखोगे यहाँ पे पूरा जंगल है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो जंगल के अंदर हमने यहाँ पे अपना बाथरूम भी सेटअप कर दिया है भाई। यहाँ पे पूरा जंगल, अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा होगा, स्पॉट मार के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। गरम मसाला चाहिए? गरम मसाला थोड़ा चाहिए। क्या नमक चाहिए ना? हाँ नमक। देखा नमक का बोला है। यहाँ थोड़ा सा विनीगर डालते हैं। विनीगर भाई इसको थोड़ा खोल देना भाई, ये बनेगा मस्टर्ड ऑयल से। मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट खाना मतलब इट्स समथिंग डिफरेंट, इट कैन नॉट बी मैच्ड विद एनीथिंग। जितना भी ऑलिव ऑयल डाल दो, ऑलिव ऑयल डालो, कुछ भी डालो, बंगालियों को तो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही पसंद होता है। विनेगर थोड़ा सा ही जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं। बस, और हमने शायद ग्लव्स लाया नहीं है, सो पार्डन मी गाइस, मैं हाथ से इसको मैरिनेट करने वाला हूँ, ठीक है? सब चलता है भाई, बहुत लोगों को थोड़ा सा रॉ लगता है ये। टेस्ट तो इसमें ही आता है भाई, असली स्वाद उसे असली स्वाद इसमें ही आता है। ये मसाला वसाला को ना अंदर जाना है पूरा, है ना। तो यहाँ पे जो आप लोग वेज लोग हो,
इस ये वाला ये पोर्शन स्किप कर सकते हो। नॉन वेज लोग बने रहो, बढ़िया सा बारबेक्यू चिकन बनेगा आज। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, वेज के लिए भी हमारे पास है। वेज के लिए हम बहुत कुछ लेके आए हैं। हाँ, हाँ, बहुत कुछ लेकिन देखते हैं कितना बनता है। हाँ, हमने आज एक्चुअली लंच थोड़ा लेट किए हैं तो इसीलिए ज़्यादा भूख नहीं है हमारे। तो ये ऑलमोस्ट मैरिनेट हो चुका है, है ना। इसको अभी थोड़ा सा और मसल लेंगे ताकि उसका मसाला जो है ना कट 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 कर स्लाइस किया हुआ है इसमें तो मार्क्स किया हुआ है, तो ये ताकि अंदर मसाला सही से जाए, है ना। तो ये तो आपका बढ़िया सा मैरिनेट बन गया है भाई, ये देखो सही है, बहुत बढ़िया बन गया है। एक दूसरा एक और एक प्लेट मिलेगा तो उसको ढक देंगे। पर जला देगा तो मिल जाएगा अपने आप। कॉन्सेप्ट अच्छा है ना। 15-20 मिनट टाइम लगता है इसको। 15-20 मिनट टाइम लगेगा। हाँ अभी फूल से जला रहे हैं। जल गया, वाह। तंदूर अभी सेट हो रहा है, ग्रिल में जा रहे हैं। आज थोड़ा कुछ स्टाइल में बनाएंगे, ये पलटने में इजी रहेगा। चिकन तो ऑलमोस्ट बन के रेडी है भाई साहब, तब तक दे भाई नेक्स्ट टाइम कुछ जंगल में करते हैं यार, जहाँ थोड़ा वाइल्ड एनिमल्स वगैरह रहता है। तुम तो बहुत कैंपिंग वैम्पिंग करते हो। हाँ जंगल का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है एक्चुअली, ऑब्वियसली। अरे कुछ बता रहे थे ना वो जो पिछले बार जो गए थे। हाँ एक गए थे वो कब्बल फॉरेस्ट में गए थे। हाँ। मैं जैसे अपना फैमिली और मेरे पेट भी रहता है मेरा कैंपिंग जब मैं करते रहता हूँ। हाँ तो एक इंसिडेंट हुआ था कि कुछ रात को 11:30 बजे हम लोग सोने के लिए गए और मेरा वाइफ मेरे बेटी ऑलरेडी टेंट के अंदर चले गए और पूरा उसमें पूरा एरिया में हम लोग अकेले थे एकदम बीच फॉरेस्ट में। तो स्कूबी मतलब मेरा पेट का नाम स्कूबी है तो स्कूबी को टहलने के लिए लेके गए तो शुशू करने के लिए। लास्ट टाइम शुरू करके हम लोग आ रहे थे तो अचानक मुड़ के ऐसे जंगल की तरफ एकदम पूरा भौंकने लगा और जब डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं या अटैक करते हैं तो उनका जो पीछे का जो स्पेशली लैब्राडोर मेरे जैसे लैब्राडोर है तो पीछे का पूरा हेड से लेके पूरा टेल का उसका जो फर्स होता है फर्स पूरा खड़ा हो जाता है मतलब बाप रे। तो इट वॉज स्ट्रेट एंड बहुत भौंक रहा था। अच्छा थैंकफुली आई हैड द टॉर्च तो मैं टॉर्च से देख रहा था कुछ है कि नहीं। तो कुछ मिला नहीं बहुत देर से देखा बट ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव द लीश एंड
अटैक, मतलब जाना है उसको उधर एक ही जगह पे। उस जंगल में आई थिंक तो हाथी और लेपर्ड्स वगैरह का कुछ है। लेपर्ड्स काफी है, लेपर्ड्स काफी है, और टाइगर वगैरह, टाइगर टाइगर आई थिंक उस तरफ नहीं है, लेपर्ड्स बहुत ज्यादा है। काफी विलेजेस काफी देखे हैं, वेरी फ्रिक्वेंटली देखते हैं, एलिफेंट्स भी देखते हैं काफी। और हम लोग जहाँ पे कैंप करते हैं उधर से कुछ 100 yards की दूरी में एक रिवीलेट है, रिवीलेट मतलब रिवर का छोटा एक पोर्शन जाता है। तो हमारे कैंपिंग के 1 week पहले ही एक वन ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कब के साथ घर पानी पीने के लिए आए थे, तो उनका स्टोरी बता रहा था। तो डेंजर होता है यार वो तो हाथी। प्रॉब्लम क्या है पता है मेरे को, इसको थोड़ा सा घुमेला जाता है, ये बन गया है ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, 5 मिनट निकाल देंगे इसको, ठीक है। तो वही है, मैं भी जब भी टडोवा गया था ना, तो टडोवा गया था तो वहाँ पे भी मैं जहाँ रुका था वो बंदा भी मुझसे बोल रहा था कि वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उसके रिजॉर्ट के अंदर। उसने मुझे बताया लेकिन मैंने शूट किया, बट उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं ब्लॉग्स में नहीं डालूँ एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ एनिमल्स का कुछ कुछ इंसिडेंट है, टाइगर्स के, मैं बोल रहा हूँ जब मैं टडोवा की बात करता हूँ तो टाइगर्स की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो बंदा बताया मुझे सब कुछ, स्टोरी बताया, लेकिन मैंने उसके व्लॉग में नहीं डाला, मैंने एडिट कर दिया, मैंने निकाल दिया वो चीज़। तो कुछ कुछ बातें होती है कि हम चाहकर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि टूरिज्म इफेक्ट होता है, सब होता है कि अगर किसी के प्रॉपर्टी के अंदर कुछ अटैक हुआ, किसी के ऊपर कुछ जानलेवा अटैक हुआ जंगली जानवर के थ्रू, तो उसका थोड़ा सा रेपुटेशन होता है, तो बिजनेस हैम्पर होता है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा ऐसा हुआ है, बट ठीक है। मतलब ब्लॉग्स से ज़्यादा ये होता है कि ना खुद आप जब जाओ और वो एक्सपीरियंस करो। करेक्ट। जैसे ये छोटा सा इंसिडेंट है, पता नहीं शायद कुछ ना हो, लेकिन वो नहीं, डॉग्स का नहीं, कुत्ते का ना सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त होता है। हाँ, वो जो अगर उसने कुछ फील किया है, हाँ, और उस जंगल में होता है ना, उस जंगल में है, और 10 minutes का जो वो इंसिडेंट था, हाँ, दैट वाज क्वाइट फ्राइटनिंग। और मेरे को एक्चुअली पहले वार्न भी किया हुआ था कि आपका डॉगी है, ज्यादा देर तक रात को खुला मत। मैं जैसे टाइगर रिजर्व में जाते रहता ना, वहाँ पे तो पेट स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं रहते हैं, वो अलाउड नहीं रहते हैं। तो ये सब कुछ करते हैं, नहीं ये कुछ करते हैं, थ्रिलिंग होता है एक्चुअली, मतलब कोई नहीं चाहता कि आपके ऊपर हमला हो। एट द सेम टाइम इफ यू आर थोड़ा पागलपंती करना अच्छा लगता है यार, मतलब इफ यू आर वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट यू वांट समथिंग थ्रिलिंग। करेक्ट। तो देखो अभी भी यही पूरा यहाँ पे जंगल है, अभी लाइट वाइट की वजह से हमने यहाँ पे कुछ लाइट डाले हैं तो आपको ठीक से नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे पूरा जैसे आप पानी का साउंड भी आ रहा है, तो जंगल है पूरा, पीछे भी पूरा जंगल है। Exactly. तो हम चाहते हैं कि कुछ आए हम चाहते हैं कुछ आए, बट या वो एक्सपीरियंस अलग होता है, थ्रिलिंग होता है, थोड़ा सा अच्छा रहता है वो। एक एक जगह का अभी हमें पता चला है जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वो आंध्र प्रदेश में है। अच्छा। हाँ। बैंगलोर से हालांकि 4-5 घंटे का डिस्टेंस है ड्राइविंग में। हम लोग एक बार प्लान बनाते कुछ जाते हैं उसमें, जाते हैं उधर। एक्चुअली इसका ओनर ही हम लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहा ना, वो बोल रहा है कि नहीं रिस्की है, थोड़ा रिस्की है जंगल में, आप कैसे नहीं जा सकते, आम गार्ड रहता है वहाँ पे, उधर आम गार्ड देखते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, अगर जा पाए वहाँ जाते हैं तो बातचीत चलाता हूँ, अगर हो कुछ करते हैं, फूड भी डेफिनेटली कुछ करते हैं, गोइंग आई थिंक। ये है हमारा बारबेक्यू चिकन, पूरा जबरदस्त तरीके से बना है भाई, पूरा ग्रिल्स के मार्क्स भी आए हुए हैं, सही हो गया। तो अभी हाँ, तो अभी हम यही, हम आज लाइट ही खाना खाएंगे, लाइट डिनर है ना, तो लाइट डिनर करेंगे, इसी को निपटाएंगे, और फिर अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:52 हो जा रहा है, तो शायद 10-10:30 बजे तक सो जाएंगे, तो थोड़ा थके हुए हैं आज, तो आज देखते हैं, जल्दी सोने का प्लान है, इसको जल्दी से रैप अप करेंगे। कैसा है भाई? अरे मस्त है भाई, एकदम परफेक्ट है। अच्छा है, बहुत अच्छा, सही है, फुल नाइसली मैरिनेटेड, जूसी, सॉफ्ट बना है, बहुत टेस्टी बना है। चलो, और ग्रिल्स के लाइंस तो और एडेड, ग्रिल्स के लाइंस आ गए हैं, सही है। वो तो भाई साहब पहुंच गए हैं अपने टेंट के अंदर, मस्ती, बहुत सारा लाइट लगा है बिकॉज व्लॉग एंड करना है हमको, है ना, तो अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे, एक बेड इधर, डबल बेड लग गया है,
एक यहाँ पे सिंगल बेड लग गया है और हम तैयार है। और ये सब जो तकिया वकिया दिख रहा है, पिलो विलो फुला चुका है हम लोग हैं, तो अभी सब तैयार है, सो जाते हैं। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 1:06। तो अभी काफ़ी अच्छा खासा खारा वारा खा लिया, सब कुछ हो गया, बेड वेड हो गया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, पता नहीं ब्लॉग को ख़त्म करते हैं या ब्लॉग चल रहा है या कुछ भी नहीं आइडिया है मेरे को, ठीक है। तो अभी सो जाएंगे और फिर कल सुबह मिलते हैं आपसे कुछ नया लेके, है ना। तो चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। भाई मैंने सोचा था ब्लॉग खत्म कर दिया, ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है। देव ना चीटिंग कर दिया, मेरा गद्दा उधर है, मेरा गद्दा उधर है, मेरे को एयर मैट्रेस अच्छा अच्छा बोल के इसमें सुला दी से भाई, ये तो बहुत ही अनकंफर्टेबल है भाई। अभी देव ये क्या हो रहा है, है? तू नया लोगों को लेके आके रैगिंग कर रहा है इधर, अरे बहुत फालतू है बे, अजीब सा लग रहा है ना। फर्स्ट पहले लग यार, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। देव तूने अच्छा नहीं किया, मैं तेरे को कल दिखाता हूँ मस्ती रो। तो चलो कुछ है क्या जंगल में? कुछ आवाज आ रहा था अभी, कुछ आवाज आ रहा था अभी। ऊपर देखो जरा, मतलब ऊपर इन द सेंस उस तरफ, मेरे को भी अब उधर से सुनाई दिया।